स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डिस्पर्सल। आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आज लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है पॉपुलेशन डिस्पर्सल, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है दो टाइप की होती है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, दूसरी लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। इसके अलावा RNK स्ट्रेटजीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो RNK स्ट्रेटजीज अगर आपने देखा हो, क्वेश्चन पिछले साल के अगर कोई पेपर आपने देखे होंगे तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है RNK स्ट्रेटजीज और एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ से जो होते हैं पूछे गए। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्पर्सल। पॉपुलेशन डिस्पर्सल को हम समझते हैं, पॉपुलेशन इज इनहेरेंटली डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है? इनहेरेंटली डायनेमिक इन नेचर मीन्स वो जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या हुआ करता है, चेंज हुआ करता है। सिंस इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज लिविंग और एंटरिंग द पॉपुलेशन। जस्ट सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया में जो होते हैं कुछ इंडिविजुअल या कुछ स्पीसीज जो होती हैं सर्वाइव कर रही हैं, कुछ बेसिस पे जो होते हैं कामकाज के बेसिस पे या मतलब इन्वायरमेंट के बेसिस पे जो होते हैं इंडिविजुअल क्या करते हैं, आउटसाइड मूव करते हैं और कुछ जो होते हैं इनसाइड मूव करते हैं। तो ये यानी ये कुछ मतलब ये जो आउटवर्ड मूवमेंट इनसाइड मूवमेंट जो होता है पॉपुलेशन का, इसके बेसिस पे जो होती है पॉपुलेशन की जो साइज होती है वो इफेक्टेड होती है। लेकिन अगर लीविंग और एंटरिंग दोनों प्रोसेस चल रही है, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस है, यानी कुछ जा भी रहे हैं और कुछ आ भी रहे हैं, तो ऐसे में जो होता है पॉपुलेशन की साइज पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या है? तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और कुछ जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया इट अकर्स इन द थ्री फॉलोइंग वेज। मतलब इसके जो होते हैं तीन टाइप्स हैं कि कैसे कैसे जो होता है पॉपुलेशन डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल में हमको तीन कैटेगरी को पढ़ना है, एक है एमिग्रेशन, दूसरा है इमिग्रेशन, तीसरा है माइग्रेशन। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एमिग्रेशन में जो होता है पहला वर्ड क्या है, ई है। ठीक है, तो इस ई से आपको याद रखना है एग्जिट, एग्जिट करना यानी बाहर की तरफ मूव करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन वे आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है इंडिविजुअल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेंट जो माइग्रेट कर रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं वो एमिग्रेंट हुए। ठीक है, तो ये एमिग्रेंट है यानी आउटवर्ड मूवमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद जो होता है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट जो होता है पहला वर्ड क्या है, आई, आई दैट मीन्स इनवर्ड मूवमेंट, मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं। जैसे कि जस्ट सपोज ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो होते हैं बहुत सारे जो होते हैं कामकाज की जो होते हैं मतलब जरिए प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं इमिग्रेंट हैं, क्यों, क्योंकि कामकाज के सिलसिले में सब आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जब कोई पर्सन एंट्री करता है या इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। वन वे इनवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू एन एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है तो उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है पीरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल टू द सेम एरिया। जस्ट सपोज एक पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, कोई पर्सन है किसी कामकाज के सिलसिले में, जस्ट सपोज ये विलेज एरिया है, ठीक है, और एक जो होता है दूसरा कोई मतलब शहर का यानी कोई सिटी है। ठीक है, किसी सिलसिले में जो होता है एक पर्सन जो होता है सिटी में आया लेकिन कुछ टाइम के बाद अगेन जो होता है वो अपने विलेज चला गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं माइग्रेशन, मीन्स पीरियोडिक डिपार्चर, कुछ टाइम के लिए जो होता है पर्सन जो होता है अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में
मूव हुआ, लेकिन अगेन वो अपने एरिया में आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन में आपको याद रखना है पीरियोडिक डिपार्चर होता है, ठीक है, और वापस से इंडिविजुअल क्या हो जाता है, अपने एरिया में मूव कर जाता है, तो उसे हम माइग्रेशन। लेकिन एमिग्रेशन में क्या होता है, वो हमेशा के लिए छोड़ देता है अपने एरिया को, और इमिग्रेशन में जो होता है हमेशा के लिए वहीं आके बस जाता है, ठीक है। मगर माइग्रेशन क्या होता है, पीरियोडिक डिपार्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जो होता है इज चेंजिंग एंटायटी। क्या होता है कि ये जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम पॉपुलेशन जो होती है क्या होती रहती है, चेंज हुआ करती है। द टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन विद टाइम। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में जो होता है पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी होती है वो क्या हुआ करती है, चेंज हुआ करती है। क्यों चेंज हुआ करती है, कुछ तो फैक्टर्स होंगे रिस्पॉन्सिबल कि पॉपुलेशन जो होती है उनकी ग्रोथ रेट जो होती है वो चेंज हो रही। तो एक्चुअल में क्या होता है, द चेंज इन द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय फोर फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, फोर फैक्टर्स। पहला है बर्थ, डेथ, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ऑब्वियसली बर्थ हो रही है दैट मीन जो पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज करेगी, है ना। अगर डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन की साइज जो होती है डिक्रीज करेगी। एमिग्रेशन है यानी पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो भी जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया की साइज जो होती है इन्फ्लुएंस करेगी। और इमिग्रेशन का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट, तो इसकी वजह से भी जो होती है उसकी जो साइज क्या होगी वो डिफर करेगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक के बेसिस पे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअल में है क्या। अ पॉपुलेशन शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इफ ऑल मेंबर हैव अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड फ्री टू रिप्रोड्यूस एट देयर फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। दैट मीन्स एक एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर कोई भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी बहुत ही ज्यादा अबंडेंटली जो होते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। जब सारे रिसोर्सेज यानी हम बोल सकते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, वहाँ पर फूड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मीन्स किसी भी चीज़ की जो होती है कमी नहीं है, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ की या किसी भी रिसोर्सेज की अगर कमी नहीं है तो ऑब्वियसली जो वहाँ पर इंडिविजुअल होंगे वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी उनकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है यानी जितना वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब रिप्रोडक्शन जो बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो होती है पॉपुलेशन की साइज भी जो होती है इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जब मतलब कह सकते हैं कि जब ये रिप्रोडक्शन जो होती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा जब वो ग्रोथ रेट मतलब इंक्रीज कर जाए तो उस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। और इसको इसके साथ ही साथ जो होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल मॉडल बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या है, dn by dt equals to rn। dn by dt equals to rn का मतलब है n जो होता है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉपुलेशन की साइज को, और r जो है उसकी इंट्रिंसिक रेट होती है। इंट्रिंसिक रेट मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एक इंडिविजुअल कितना ज्यादा जो होता है रिप्रोड्यूस कर सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट कहते हैं, ठीक है। तो r क्या कहता है, मैक्सिमम मतलब प्रोडक्शन को शो करता है, और n क्या है, पॉपुलेशन साइज। इस पे बेसिस कई क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, पॉपुलेशन साइज दे दी जाएगी, इंट्रिंसिक रेट दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे जो होता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। फिर साथ ही जो होता है नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, इंटीग्रल फॉर्मूले की अगर बात करें तो इंटीग्रल फॉर्मूला जो होता है एन टी इक्वल्स टू एन जीरो लॉग टू द बेस आर टी, ठीक है। तो एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे जस्ट सपोज एक इनिशियल रेट रही होगी कि यहाँ पर जो होता है इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी जो होती है पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है,
एक पर्टिकुलर एरिया में एक जो होता है इतनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर अभी कोई टाइम नहीं है, ठीक है। फिर एक साल के बाद या एक महीने के बाद उस पॉपुलेशन को अगेन जो होता है जज किया गया या मेजर